जब भी मैं आयुष्मान खुराना को स्क्रीन पर देखती हूँ तो मैं सिर्फ यही सोचती हूँ, भाई क्या करके मानेंगे, कितने स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करेंगे। विकी डोनो दम लगा के हईशा बधाई हो और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्में करने के बाद अब आयुष्मान खुराना बड़े पर्दे पर गे का किरदार निभाने जा रहे हैं। जी हाँ, उनकी अगली फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और हम कब से इस ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे, और ट्रेलर देखकर सिर्फ यही निकलता है, मान गए आयुष्मान खुराना, आपको मान गए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुभ मंगल ज्यादा सावधान 2017 में आई फिल्म शुभ मंगल सावधान का सीक्वल है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ भूमि पेडनेकर थी। इस फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। अब शुभ मंगल ज्यादा सावधान की कहानी एक ऐसी फैमिली की कहानी है जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका बेटा गे है। ट्रेलर सिंपली वाव है। ट्रेलर में दिखाया गया है आयुष्मान खुराना जो कार्तिक के किरदार में है, वो अपना दिल दे बैठते हैं अमन को, जिसका किरदार निभा रहे हैं जितेंद्र कुमार। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल होते हैं, लेकिन अमन अपने परिवार को ये नहीं समझा पाता कि वो कार्तिक से प्यार करता है, और जब वो अपने घर में ये सच बताता है तो आता है भूचाल। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि अमन की शादी तय हो जाती है, वो भी एक लड़की के साथ। फिर कार्तिक अपने प्यार को पाने के लिए हर वो कोशिश करता है। अब क्या दोनों अमन के परिवार को मना पाएंगे या नहीं, ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिल्म बधाई हो में आयुष्मान खुराना के साथ काम कर चुके नीना गुप्ता और गजराज राव भी इस फिल्म में साथ दिखेंगे, यानी तीनों की तिगड़ी फिर से कमाल करने को तैयार हो चुकी है। इसके साथ फिल्म में मानू ऋषि चड्डा, सुनीता राजवार, मानवी घाघरू, पंखुड़ी अवस्थी और नीरज सिंह भी है। फिल्म का ट्रेलर वाकई में जबरदस्त है। कुछ कुछ तो इतने फनी डायलॉग्स है कि जिसे सुनकर आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। चाहे कॉमिक टाइमिंग की बात हो या फिर हर किरदार की एक्टिंग, ट्रेलर में कुछ भी कमी नहीं लगती है। बहुत समय के बाद आपको एक ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, हंसने हंसाने वाली फिल्म देखने को मिलने वाली है। अब भाई कंटेंट की बात हो तो कंटेंट के राजा तो बन चुके आयुष्मान खुराना। उनकी एक्टिंग, उनका अवतार आपने पहले ऐसे कभी नहीं देखा होगा। खास तौर पर उनकी नोज रिंग तो जबरदस्त लग रही है। अब मेरी तरफ से ट्रेलर को तो थम्स अप है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है हितेश केवलिया ने। ये फिल्म 21 फरवरी को रिलीज होने वाली है। अब आपने फिल्म का ट्रेलर तो देख लिया होगा, तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आपको ट्रेलर कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए। साथ ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।